काल प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए, इतनी खुशी भई हमें, बहुत दिन बाद आए ना। पिछली बार आए थे तब तनक रो रहे थे, सो मन में हमारे ऐसी कचूमट सी लगी रही के ये प्रधानमंत्री जी दुखी हैं, रो रहे हैं, जब तक हम उन्हें अच्छे से खुश ना देख लें, सजो सजाओ ना देख लें, तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा। वैसे सजे तो भी तबाह होते जब रो रहे थे, मगर फिर भी अब कल तनक ठीक होते। तो इतनी अच्छा लगा, मैं कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही उनने, वैक्सीन की और वो गरीबन के लाने, बहुत कछु अच्छो अच्छो बोलो। जब जैसे ही प्रधानमंत्री जी को संबोधन खत्म हो ना, हमारे मामा जी को फोन आ गया, वे बहुत खुश होते, कहने लगे कि कितो अच्छो बोलो प्रधानमंत्री जी ने, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री जी हैं, देखो कितने कछु कर रहे हैं। हमने की बोलते हैं मामे कौन सी दूर आए हैं, मगर मत पूछो जे खुशी बर्दाश्त नहीं भाई रवीश कुमार से। बिन्ने 9 बजे अपनो प्राइम टाइम करो और सब मट्टी पलीत कर दई। प्रधानमंत्री जी ने जो जो बोलो थो ना, बिन्ने एक तरफ प्रधानमंत्री जी की बात लाई और दूसरी तरफ फैक्ट दिखा दो। पूरे शो में बिन्ने जो ही करो कि प्रधानमंत्री का बोले बाको फैक्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को कि बे फाइलें दिखाओ, कितनी डिमांड है, कितने का मंगाई जा रही है वैक्सीन, और जे वो जवाब दो, तब जे हाल है, प्रधानमंत्री जी आए हैं बोल रहे हैं। अरे मत पूछो, दिमाग खराब होगा उमाओ तो। प्रधानमंत्री जी ने बोली कि कई हजार करोड़ रुपया दो है, रवीश कुमार ने कह दी 46 करोड़ रुपया दो है। अब 1000 करोड़ में और 46 करोड़ में तो बहुत अंतर है ना। और एक बात मैं बिन्ने बता दी कि बिल्कुल ही पैसा नहीं दो है, वो उधार पे दे रहे हैं, मतलब ये सब बात है ना अच्छी नहीं लगत है। एक आदमी बेचारो जब परेशान है, इतनी परेशानी में भी चल रहे हैं, अबे बंगाल को चुनाव हार के बैठे हैं, यहाँ योगी जी से टनाटनी चल रही है, और कोरोना को लेके दुनिया भर में इतनी थू-थू हो चुकी, बदनामी हो चुकी, ऐसे में आदमी डिप्रेशन में है, तनक आके बाने फेंक लई तो का होगा, का होगा हमें बताओ। बाने फेंक लई तुम चुपचाप से लपेट लेते, अब बा में फैक्ट दिखावे की कौन सी जरूरत थी। अब प्रधानमंत्री अपने देश की जनता से नहीं फेंकेंगे तो कौन से अमेरिका की जनता से फेंकेंगे, वैसे भी उते भी फेंक लेते हैं बिना कोई नहीं रोक सकत, मगर फिर भी जनता को फर्ज है कि हमारे प्रधानमंत्री डिप्रेशन में है, परेशान है, तो फेंक लें दो बिना, नहीं तो अभी रोवे बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा लगा थे प्रधानमंत्री को रोते देखो ना, हमारे तो ऐसे खाना नहीं खाओ जाते हमसे 4-5 दिन। कल खुश आते कि चलो कोरोना की बला टली, अब जाए तनक अपनी जनता के सामने लंबी लंबी फेंके, सो रवीश को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। प्रधानमंत्री जी ने बताई कि बे कितने फास्ट हैं, पिछले जितनी सरकारें आई सब कुछ आई भी कितनी स्लो होती। हमने कही कि सही कह रहे प्रधानमंत्री जी, खरगोश हैं बाकी सब कछुआ है, मगर नहीं ये सब बातें बिल्कुल रवीश जी से बर्दाश्त नहीं भाई, बिन्ने लेके फैक्ट फैक्ट फैक्ट, ऐसे फैक्ट को का करें हैं, ऐसे फैक्ट की का जरूरत है कि जब आदमी अपनो दिल भी हल्को ना कर पाए अपने देश की जनता के आगे। हमारे एक चचेरे भैया आते भी जब कभी डिप्रेशन में आते लंबी लंबी फेंकते खूब लंबी लंबी, हम सब घर वाले चुपचाप सुनत रहते कि चलो ठीक है आदमी डिप्रेशन में मन हल्को कर ले दो जाए फेंक फाक के, तो बेतनक हल्के हो जाते। अब ऐसे ही प्रधानमंत्री जी आए, हम तो वो इमोशन से गुजर चुके, हम जान रहे कि हमारे भैया की क्या हालत थी, सो हमने भी प्रधानमंत्री जी को भी हमने बर्दाश्त कर लो कि चलो फेंक लें दो जी ने, मगर नहीं। रवीश कुमार को क्या मालूम कि क्या होते फेंकवे से कितो मन हल्को हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं भाव। उनको मामा जी को फोन आ गया 10 बजे के जे तो झूठी झूठी बोल रहे थे झूठी। हमने कि अरे भैया अब ठीक है, हमें बहुत ही गुस्सा आई रवीश कुमार पे, हमारी बात उन तक पहुंचा दी हो, हमें उनको सो बिल्कुल अच्छो नहीं लगो कल बिल्कुल, मतलब आप सोचो कि अकेले में जाके रो रहे होंगे प्रधानमंत्री के, हमें तो एक फेंक क्या इनने फैक्ट बता के सब कचड़ा कर दो माओ, जी कोई अच्छी बात है।